रक्तदान महादान की कहावत को चेतार्थ करते हुए वीरवार को सुंदरनगर में अपने स्वर्गीय बड़े भाई साहिल गोस्वामी की याद में शेख गोस्वामी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में उनके साथियों के साथ साथ करीब 200 छात्रों ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। इस मौके पर इन्होंने अन्य लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने का संदेश भी दिया। सुंदरनगर के MLSM कॉलेज के पूर्व में रहे AP इकाई अध्यक्ष व भाजपा नेता महेंद्र गोस्वामी के बड़े पुत्र स्वर्गीय साहिल गोस्वामी की याद में उनके छोटे भाई शेख गोस्वामी व उनके साथियों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 के करीब छात्रों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर मंडी से डॉक्टर रॉय ने शिविर से संबंधित जानकारी दी। वहीं शेख गोस्वामी ने बताया कि इसी तरह वे हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर रक्त का प्रावधान हो सके। कैंपेन के उपलक्ष में इस पूरे महीने में सरकार की तरफ से कई अवेयरनेस सेशंस जनरेट कई जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज MLSM कॉलेज डिग्री कॉलेज सुंदरनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया बच्चों के द्वारा यूथ के द्वारा। ऐसे ही कल अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैलचौक में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। और भी अवेयरनेस सेशंस किए जा रहे हैं NSS NCC रेड रिबन क्लब्स की इन्वॉल्वमेंट्स को लेके। इनकी इन्वॉल्वमेंट से हम नॉट ओनली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को की महत्व को बता रहे हैं यूथ कम्युनिटी पे, हम प्रिवेंशन ऑफ HIV को भी महत्व दे रहे हैं। मैं मेरे बड़े भाई साहिल गोस्वामी जी की आत्मा की शांति के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है, जिसमें MLSM कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारी ये कामना रहेगी कि हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप MLSM कॉलेज में करवाते रहें। इस मौके पर यदविंदर ठाकुर, अभिषेक डोगरा, विक्रांत राणा, तपन ठाकुर, आदित्य शर्मा भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।